आगे बढ़ेंगे, इंतजार पर रार की बात करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल 31 मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, आपने देखा ही है, लेकिन अब तक विभाग का बंटवारा नहीं हो सका है। वहीं इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या इसे कहते हैं डबल इंजन वाली सरकार, भाजपा सरकार। सीएम के चयन का फैसला 10 दिन में हो पाया, मंत्रिमंडल का फैसला 12 दिन में आ पाया, अब विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है और खींचतान जारी है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आखिर कब तक होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में दिल्ली का इंजन ही चलता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आड़े हाथों लिया है पहली बार पक्ष को खुलकर, और ये देख सकते हैं आप उनका टीवी स्क्रीन पर ट्वीट। उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा, उनकी बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। दिनेश शुक्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष पहली बार खुलकर अब मुखर हुए हैं। दिनेश तक हमारी आवाज नहीं जा रही, हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। दिनेश, उमंग सिंघार अब नेता प्रतिपक्ष के तेवर में नजर आ गए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि उमंग सिंघार खुलकर सामने आए हैं, अब नेता प्रतिपक्ष चुने, कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंपी है और विधानसभा में जिस तरह से उनको काम करना चाहिए अब वो सदन से बाहर भी अपने हाथ अजमाते हुए दिख रहे हैं, सरकार पर हमला बोलते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहने का जो तात्पर्य है अपने ट्वीट के माध्यम से, एक्स पर जो उन्होंने ट्वीट किया है कि जिस तरह से दिल्ली से सरकार सीएम चुना गया 10 दिन के अंदर, फिर 12 दिन में मंत्रिमंडल का बनाया गया, मंत्री बनाए गए, कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाए गए, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए, अब उनके विभागों को लेकर जो रस्साकसी चल रही है बीजेपी के अंदर, सरकार के अंदर, वो भी क्या अब दिल्ली ही तय करेगा, तो इसको लेकर उन्होंने एक सन भी कसा है और सरकार पर निशाना भी साधा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में, नई सरकार है और उस पर तंज कसा है उन्होंने, और साफ तौर पर विपक्ष की भूमिका में, सशक्त विपक्ष की भूमिका में अब उमंग सिंघार नजर आ रहे हैं। जी दिनेश, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नए जो संगठन स्तर में भी बदलाव हुए हैं, अभी पीछे बीते दिनों जो बैठकें हुई हैं, इन बैठकों को भी इससे जोड़ा जा सकता है कि अब नए तरीके से रणनीति बनाकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को बदला, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को बनाया, और वहीं पर जो मैराथन बैठकों का दौर चल रहा था उसमें जो है कि तीसरे दिन प्रदेश प्रभारी आते हैं भंवर जितेंद्र सिंह, और वो अंतिम समय में ये कहते हैं कि पूरी मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी भंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक अलग संदेश देने की कोशिश मध्य प्रदेश कांग्रेस कर रही है और उस पर ये युवा नेता खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि ठीक है। दिनेश, हमारे साथ नेहा बग्गा जुड़े भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। नेहा बग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है News 24/7 में। जी नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने मोर्चा खोल दिया है मंत्रिमंडल को लेकर, कह रहे हैं 10 दिन में सीएम दे रहे हैं, 12 दिन में मंत्रिमंडल दे रहे हैं, यही है डबल इंजन की सरकार, और अभी तक विभाग नहीं दे पाए। देखिए, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे जैसी हालत में कांग्रेस पार्टी आजकल है, और आज तो कांग्रेस का स्थापना दिवस है, पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जिस तरीके से वीरान है ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का विचार है कि मेरा ध्यान रखना, बाकी पार्टी गई तेल लेने। और जिस प्रकार से लोगों का चयन किया गया, मैं तो स्वयं उस दिन से प्रियंका गांधी जी को ढूंढ रही हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जीतू पटवारी महिलाएं 500 रुपए लेके पोखली में रख के बिक जाती हैं, उमंग सिंघार पहली दूसरी तीसरी पत्नी आत्महत्या कर ली, पांचवी ने अनैतिक कृत्यों का आरोप लगाया है, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे लड़की का बलात्कार किया, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली,
जिस दिशा में कांग्रेस जा रही है, किस मुंह से ये भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा करते हैं? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं, संगठन के विचार को जनता ने मोहर लगाया है। आज प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत कर प्रदेश में सरकार बनाकर बैठे हैं। मंत्रियों का चयन हो गया है, मंत्रियों की शपथ हो गई है और अपने समय अनुसार उनका विभाग का वितरण भी हो जाएगा। उमंग सिंघार जी की चिंताएं जो है, मुझे लगता है कि अपनी पार्टी। चलिए उमंग सिंघार जी की चिंताएं छोड़ देते हैं। नेहा बग्गा जी, जनता जो आवाम पूछ रही है कि कब तक विस्तार है, क्या विलंब हो रहा है, इस संदर्भ में आपका क्या मत रहेगा? मैंने आपसे कहा ना कि सरकार अपने समय से बन गई, जनता के आशीर्वाद से बन गई, मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और अपने समय अनुसार जो विभाग है उसका भी बंटवारा हो जाएगा। सरकार बहुत सक्षम तरीके से चल रही है किसी विभाग में। आप तो विभाग प्रवक्ता हैं बग्गा जी, तो फिर भी कितना दिन लगेगा ये तो बता सकती हैं आप? लगभग कब तक सामने मंत्रियों के विभाग आ जाएंगे? मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो गए और आपने कांग्रेस प्रवक्ता समझ के मुझसे सवाल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, जहाँ पर जो निर्णय होना है वहीं पर निर्णय होते हैं, जहाँ पर जो चीज डिस्क्लोज होनी है वो वहाँ से सामने आती है, हर चीज प्रक्रिया के तहत चलती है, संवाद समन्वय से होती है। जब होगी आप बंधुओं को भी उसके बारे में सूचना मिलेगी। तो यानी कि अभी समन्वय नहीं बन पाया है और संवाद चल रहा है। नेहबग्गा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द समन्वय बन जाए। जैसा कि न्याय जी ने कहा कि समन्वय चल रहा है, संवाद चल रहा है और जब हो जाएगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्रातिशीघ्र जिस तरह से हो गया है, उसी तरह से अब विभागों का बंटवारा भी हो जाना चाहिए ताकि जनता के हितों में मंत्री फैसला ले सकें।